दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कैमरों का कलर लगभग काले रंग का होता है। अब सवाल यह है कि कैमरे का कलर काला ही क्यों होता है, और इस सवाल का आंसर इसके इतिहास में छुपा है। भारत में सन 2000 से पहले 35mm की रील वाले कैमरे उपयोग किए जाते थे, और इस रील को नेगेटिव रोल के नाम से भी जाना जाता था। मैकेनिकल कैमरे में जब हम फोटो क्लिक करते थे तो उसका नेगेटिव चित्र रोल के भीतर मौजूद प्लास्टिक की केमिकल युक्त रील पर छप जाता था। फिर फोटो लैब में जाकर उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाकर फोटो पेपर पर प्रिंट लिया जाता था, और ये सारी प्रक्रिया अंधेरे में करनी होती थी, क्योंकि यदि जरा सी भी रोशनी नेगेटिव रोल पर पड़ जाती है तो उसमें छपे सारे नेगेटिव फोटो खत्म हो जाते थे। इसलिए मैकेनिकल फोटो कैमरे काले रंग के बनाए जाते थे, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन अब टाइम बदल गया है, अब डिजिटल फोटो कैमरे यूज किए जाते हैं। इनके अंदर कोई नेगेटिव रोल नहीं होता, और इन्हें किसी भी प्रकार की लाइट से बचाने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद डिजिटल कैमरे हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही कैमरे डिजिटल हो गए हों, लेकिन लाइट आज भी रिफ्लेक्ट होती है, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर आज भी बेस्ट क्वालिटी के लिए काम करते हैं। और यदि कैमरे में कोई भी कलर होगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर हो सकता है, और कोई भी प्रोफेशनल कैमरामैन ऐसा नहीं चाहता।